बाजार बाइट्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर मित्तल और हमारे साथ हैं मार्केट के जाने माने एक्सपर्ट सुनील मिगलानी जी। सुनील जी, आपने इंट्राडे के बारे में हमें काफी जानकारी दी है। पहले आपने बताया इसमें कितने खतरे हैं एक ट्रेडर के लिए, क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए, किस स्टेज पे आकर इंट्राडे में एंटर करना चाहिए। सुनील जी, हमने सब कर लिया है, अब हम पूरी तरह तैयार हैं इस इंट्राडे के मैदान में कूद पड़ने के लिए। मैंने डिस्करेज किया था। एक्चुअली मैंने डिस्करेज किया था, लेकिन आप इनकरेज हो गए तो सुनील हो। जी, अब करना है तो करना है, क्या करें। अच्छा तो ये बताइए, जब हम युद्ध के इस मैदान में कूद ही पड़े हैं तो इसमें कौन कौन से हथियार हमें चाहिएंगे। स्टेप वन, हाउ टू सेलेक्ट स्टॉक्स फॉर इंट्राडे। कौन से स्टॉक हम सेलेक्ट करें, क्या हमारा क्राइटेरिया हो जब हम सुबह बैठे स्क्रीन के सामने काम करने के लिए इंट्राडे। हाउ टू पिक स्टॉक्स। स्टॉक कैसे चुने? देखिए, जैसे आपने कहा कि मैं हमेशा इंट्राडे को डिस्करेज करता हूँ, और कोशिश आपकी यही रहनी चाहिए कि आप इंट्राडे में ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो। लेकिन जो आदमी इसको सीख चुके हैं या अभी उस प्रोसेस में हैं, उनके लिए स्टॉक सिलेक्शन एक बहुत बड़ा एरिया होता है जो इंट्राडे के लिए आपको चुनना होता है। क्योंकि इंट्राडे के अंदर देखिए, एक सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो आपको उसी 5 घंटे के अंदर सौदे को लेकर काटना है वापस। जी तो आपकी स्टॉक सिलेक्शन बहुत ही परफेक्ट होनी चाहिए, हल्की फुल्की गलती भी वहां पर आपको बहुत भारी पड़ सकती है। तो स्टॉक सिलेक्शन के लिए मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ऐसा तरीका होना चाहिए जो कि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो, बहुत ज्यादा सिंपल ना हो। एक ऐसा रास्ता बीच का जो कि मार्केट ही हमें सुझाती है, उसी रास्ते पे चल के मुझे लगता है इंट्राडे में फिर भी कुछ चांसेस हैं कि आप धीरे 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 उसमें सीख सकते हैं और कुछ ना कुछ मुनाफा भी घर ले जा सकते हैं। कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं होना चाहिए इंट्राडे के अंदर स्टॉक ढूंढने का। अब इंट्राडे के अंदर स्टॉक सिलेक्शन के में जब हम जाते हैं, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि पिछले हफ्तों के अंदर कौन से स्टॉक परफॉर्म किए हैं, कौन सा सेक्टर परफॉर्म किया है। कम से कम इतना होमवर्क आपको करना पड़ेगा जी। इंट्राडे के अंदर। जब भी आप काम करने जाते हैं तो एक चीज का ध्यान और रखिए कि इंट्राडे का ये मतलब नहीं होता कि 9:15 बजे जब मार्केट खुलेगी तब मैं सोचूंगा मुझे क्या करना है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है एक ट्रेडर के अंदर। वो कहता है मार्केट जब खुलेगी ना तब देखूंगा मैं कि मुझे क्या लेना है। गलत बात है ये। इंट्राडे के लिए अगर आप काम करना चाहते हैं, आपको तैयारी उससे एक दिन पहले करनी पड़ती है। कम से कम एक दिन पहले मार्केट में जो भी क्लोजिंग आया है, जिस भी तरह का सेटअप बना हुआ है चार्ट पे, जो भी चीजें देख रहे हो आपको उसी समय अगले दिन के लिए कुछ ऐसी तैयारी करके रखनी है कि मार्केट अगर आपके हिसाब से काम करे तो आप एक्शन लेने की स्थिति में हो वहां पे। अब तैयारी क्या करनी है उस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो आप एक काम कीजिए कि पिछले दिन जो भी ट्रेड हुआ है उस ट्रेड का एक सेटअप पूरा अपने दिमाग में लाइए कि आज पूरा दिन हुआ क्या है मार्केट में और पर्टिकुलर स्टॉक्स के अंदर। मार्केट में मान लेते हैं मार्केट ऊपर गई तो कितनी ऊपर गई, कहाँ खुली थी, कैसा बिहेवियर रहा है, कैसा काम हुआ उसके अंदर, बिहेवियर क्या था स्टॉक्स का, बिहेवियर क्या था सेक्टर्स का। इन सब चीजों को अपने एक कॉपी पे लिख लीजिए आप, उससे आपको आइडिया लगेगा। एक चीज और बताना चाहता हूं मैं यहाँ पे कि इंट्राडे कोई अपने आप में इंडिविजुअल दिन नहीं है, कोई आइसोलेटेड दिन नहीं है कि एक दिन मैंने काम कर लिया। इंट्राडे के अंदर जब आप काम कर रहे हो तो आज का दिन पीछे के दिनों से जुड़ा हुआ है। आज का दिन कल और परसों की एक्सटेंशन है। एक्चुअली कल और परसों जो भी इस मार्केट में काम हुआ है किसी भी स्टॉक में, आज उसकी सिर्फ एक्सटेंशन है। तो ये नहीं है कि आज का दिन कोई इंडिविजुअल है, कल के दिन का जो असर है, कल के जो काम का असर है वो आज पे जरूर आएगा। जी, ये कई बात। बार हम छोटे टाइम फ्रेम का जब चार्ट देखते हैं, दस हाँ मिनट 5 मिनट 15 20 मिनट का, तो ये पता भी नहीं चलता है कब दिन खत्म हुआ और किस दिन नया हाँ दिन शुरू बिल्कुल। हुआ, वो वही कंटिन्यूएशन में चलता चार्ट रहता है। जहां खत्म होके जाता है अगले दिन वहीं से शुरू होता है। ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे गैप अप होता है ये बात अलग है, लेकिन ऑलमोस्ट शुरू वहीं से होता है। इसका मतलब कोई अगर आप बड़ा चार्ट देखेंगे, 1 हफ्ते 2 हफ्ते का चार्ट आप देखते हैं, तो आपको कई बार पता नहीं चलता कि एक दिन कहाँ खत्म हुआ दूसरे दिन कहाँ शुरू हुआ। जी जी स्टॉक वहीं से अपनी दोबारा यात्रा शुरू करता है नई वाली। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जिस स्टॉक में मैं काम कर रहा हूं वो स्टॉक कल क्या कर रहा था या उससे पिछले दिनों में क्या कर रहा था। दूसरी बात, स्टॉक सिलेक्शन का प्रॉपर इंट्राडे में काम करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप मार्केट की सुने, अपनी ना बोले। मार्केट ने आपको क्या बताया है, मार्केट कल किन सेक्टर के ऊपर किन स्टॉक्स पे दाव लगा के गई थी, किन
किन सेक्टर में किन स्टॉक में चाल आई है। अब वो चाल ऊपर की भी हो सकती है, चाल नीचे की भी हो सकती है। आप या तो स्टॉक को बाय कर सकते हैं या आप स्टॉक को सेल कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कौन सी तरफ की चाल है ये। जब आप ये छोटा सा होमवर्क आपका हो जाएगा, उसके बाद आप देखिए कि कौन कौन से ऐसे स्टॉक हैं जो कल टॉप गेनर थे या टॉप लूजर थे। टॉप गेनर टॉप लूजर से मतलब यह है कि कुछ स्टॉक ऐसे जरूर होते हैं हर मार्केट में जो कल के दिन में, यानी मैं अगर आज काम करना चाहता हूं तो मुझे कल का डेटा देखना है, आप एनएससी की साइट पर जाइए, वहां पर एक लिस्ट होती है छोटी सी जहां टॉप गेनर टॉप लूजर की लिस्ट होती है। अब टॉप गेनर टॉप लूजर की जो लिस्ट होती है एनएससी की और एनएससी 50 की या और मिड कैप स्टॉक या एफएनडो के स्टॉक जो भी होते हैं निकाल लीजिए उनको, उनके अंदर से टॉप गेनर टॉप लूजर की लिस्ट होती है, उस लिस्ट को निकालिए। उस लिस्ट को निकालने के बाद सबसे पहले उस लिस्ट को लिखिए अपने पास, उसमें 20, 25, 30 स्टॉक होंगे मेरे ख्याल से, 40 स्टॉक होंगे, उन 20, 25, 30 स्टॉक को लिखिए, उनके चार्ट खोल के देखिए। क्या होता है कई बार आप देखते हैं कि कोई चाल किसी भी दिन जब शुरू होती है, अगर वो चाल शुरू होने का सबसे पहला दिन है तो वो चाल एक दिन में कभी भी खत्म नहीं होती है। हम अक्सर ये देखते हैं कि कोई भी स्टॉक अगर ऊपर जाना शुरू हुआ है तो वो कम से कम 2 या 3 दिन ऊपर जाता है, कोई स्टॉक नीचे आना शुरू हुआ है तो कम से कम 2 या 3 दिन नीचे जाता है। तो आप उस 20-25 स्टॉक की लिस्ट में से जो ऊपर जाने वाले स्टॉक हैं, जो कल ऊपर गए थे और जो कल नीचे गए थे, उनमें से ये देखिए चार्ट खोल के कि क्या ये इनका पहला दिन था। उस 20-25 स्टॉक में से कोई ना कोई 2 या 3-4 आपको स्टॉक ऐसे जरूर मिल जाएंगे जो पहला दिन होगा जब वो ऊपर गए होंगे ज्यादा। टॉप गेनर की लिस्ट में आने का मतलब है कि वो ज्यादा ऊपर गए हैं मार्केट से, ज्यादा बाकी स्टॉक से, अपने साथियों से ज्यादा ऊपर गए हैं वो या ज्यादा नीचे आए हैं वो। अगर वो उनका पहला दिन है ऊपर जाने का तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि अगले आने वाले 2-3 दिन में वो और ऊपर जाएंगे। उन स्टॉक को अलग लिख लीजिए, बाकी स्टॉक को हटा दीजिए जो 4 दिन से ऊपर जा रहा है, 5 दिन से ऊपर जा रहा है, 3 दिन से, वो आपके काम का नहीं है, उसको छोड़ दो। क्योंकि आपको सिर्फ इंट्राडे में काम करना है, इंट्राडे में काम करना है, उस स्टॉक को उठाइए जिसने कल अपनी चाल की शुरुआत की है, वो स्टॉक आपके काम का है, उस स्टॉक को अलग लिखिए। ऐसे जब आप लिख लेंगे आपके पास 4-5 स्टॉक हो जाएंगे, 2-3 स्टॉक होंगे नीचे जाने वाले, 2-3-4 स्टॉक होंगे ऊपर जाने वाले। अगले दिन मार्केट जब खुलती है 9:15 बजे, आपको 9:15 बजे बिल्कुल भी सौदा नहीं डालना है। सबसे पहला डिसिप्लिन तो ये बना लीजिए अपना, पूरी तैयारी कर ली हमने, सुबह होते सौदा नहीं डालना है, बिल्कुल नहीं डालना। आपको सौदा डालना है कुछ मूवमेंट देखने के बाद। आपने जो स्टॉक निकाला है ऊपर जाने वाला कि आपको लग रहा है कल ये पहले दिन ऊपर गया था, अब ये और ऊपर जा सकता है, तो वो स्टॉक जब तक आपको ये दिखा ना दे कि वाकई में वो कल की जो उसकी चाल थी उसको आगे बढ़ा रहा है, तब तक आपको उसमें एंट्री नहीं करनी। तो मेरा मानना यह है कि आपको पहले आधे से पौने घंटे का एवरेज ट्रेडेड प्राइस है, एटीपी जिसको हम बोलते हैं, आप देखते हैं आपकी स्क्रीन पे आती है एटीपी, एवरेज ट्रेडेड प्राइस पहले आधे से पौने घंटे का जो है, अगर वो स्टॉक उसके ऊपर काम कर रहा है तो आपको उसको बाय करना है, अगर वो स्टॉक उसके नीचे काम कर रहा है तो आपको उसको सेल करना है। अब आपके पास 2 लिस्टें हैं, एक बाय की लिस्ट है, एक सेल की लिस्ट है, 3-4 स्टॉक बाय में है, 2-3 स्टॉक सेल में है। आप ये देखिए कि बाय वाला स्टॉक जो आपकी लिस्ट में है, वो स्टॉक अगर अपनी एटीपी के ऊपर है, एवरेज ट्रेडेड प्राइस कहते हैं इसको, अगर वो एटीपी के ऊपर काम कर रहा है पहले आधे पौने घंटे में, तो वो स्टॉक आपके काम का है, उसको पकड़ लीजिए। और जो स्टॉक आपकी सेल वाली लिस्ट में है, यानी कि आप बेचना चाहते हो स्टॉक को, कल वो गिरा था ज्यादा और उसका पहला दिन था वो, उस स्टॉक को आप देखिए, वॉच कीजिए पहले आधे से पौने घंटे में, मतलब 10:15 तक मोटा मोटी, अगर उस समय तक वो स्टॉक अपनी एटीपी के नीचे काम कर रहा है तो आपको वहां उसको सेल कर सकते हो, वो अच्छा बकरा है एक्चुअली आपको काटने के लिए। और स्टॉप लॉस लगाना है आपको जरूर, वो स्टॉप लॉस आपके डिसिप्लिन पे काम करेगा, जो भी जिस भी सेटअप के ऊपर आप काम करते हो आपको अपने हिसाब से देखना है कि मैं कितना लॉस दे सकता हूं, कौन सा एरिया है जो नहीं कटना चाहिए, आप स्टॉप लॉस उसके हिसाब से लगा सकते हो। और स्टॉप लॉस का डिसीजन जो है आपको लास्ट डे की कोई ना कोई एरिया ऐसा होगा जो उसकी सपोर्ट बन रही होगी, वहां पर आपको लगाना है। आपको लास्ट डे का जो चार्ट है वो देखना है, उस चार्ट पे कोई ना कोई ऐसी जगह होगी जहां पे उसने सपोर्ट लिया होगा, वो सपोर्ट एरिया आपका स्टॉप लॉस है। आप देखिए कि अगर वो स्टॉप लॉस लेने पे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल हो रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ स्टॉप लॉस छोटा है और टारगेट बड़ा है, तो आप उस स्टॉक को लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है तो उसको हटा दीजिए। देखिए एक बात हमेशा याद रखिए,
इंट्रा डे के अंदर कोई आपको 50% मिलने वाला है नहीं, आपको 2-4-5% चाहिए, वो एक दो स्टॉक में आ जाता है। तो बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठी करने की जरूरत भी नहीं है आपको। कोई एक स्टॉक भी अगर आपको मिल गया रोज का, एक स्टॉक रोज का जिसमें आपको 2-3% आ गया, तो क्या चाहिए सर। बैंक में 7% साल का देता है वो 8%, आपको 2% भी अगर मिल गया तो क्या चाहिए आपको। अभी लालच करते रहोगे तो सभी कुछ मैं खा लूं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। लोग हमारे पास आते कहते सर हमें 100% का प्रॉफिट चाहिए, कोई डकैती थोड़ी पड़ रही है यहाँ पे 100% का प्रॉफिट चाहिए। आप बात जो करेंगे वो जस्टिफाई भी तो होनी चाहिए ना। आपको एक दो स्टॉक चाहिए, इसमें आपको 2-4-5% का प्रॉफिट अगर आ जाता है अपना डिसिप्लिन फॉलो करके, तो मेरा ख्याल में उससे अच्छी कोई बात नहीं है। तीन स्टेप बताए मैंने आपको, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट, मार्केट की ओवरऑल चाल देखिए क्या चल रही है। दूसरा स्टेप, टॉप गेनर टॉप लूजर की लिस्ट जो होती है एनएससी की साइट पे आती है, उनको नोट डाउन करिए। उनमें से वो स्टॉक अलग छांटिए जिनका वो पहला दिन था ऊपर या नीचे जाने का, वो पहला दिन वाले स्टॉक को अलग कर लीजिए, उनको अपनी स्क्रीन पे लगाइए। उनको स्क्रीन पे लगाने के बाद जो स्टॉक आधे से पौने घंटे के अंदर अपनी एटीपी के ऊपर या नीचे काम कर रहा हो, उसके हिसाब से उसे बाय या सेल कर दीजिए विद स्टॉप लॉस। आप देखेंगे अगर आप 20-25 दिन लगातार ऐसा काम करते रहेंगे तो हो सकता है एक दो बार, चार बार, पांच बार आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, जो कि नॉर्मल बात है, इस मार्केट में होगा। लेकिन 10-15 बार आप बिल्कुल ठीक निकलेंगे, और उस 10-15 बार के अंदर अगर आपने 5-7% का प्रॉफिट कमा लिया और स्टॉप लॉस के रूप में 2-4-5 बार में अगर आपने कुछ पैसे दे दिए, तब भी आप नेट में प्रॉफिट में रहेंगे। स्टार्टिंग में जो आदमी काम कर रहे हैं, मैं फिर बोल रहा हूं बार बार, इंट्राडे के अंदर बिल्कुल मत जाइए। बहुत ही डिसिप्लिन का काम है, बहुत ही फास्ट डिसीजन लेने पड़ते हैं, लेकिन सीखने के हिसाब से छोटी क्वांटिटी के अंदर इस प्रोसीजर को फॉलो करके आप काम कर सकते हैं। सुनील जी, तरीका तो आपने बहुत अच्छा बताया, काफी जद्दोजहद के बाद, काफी बार पूछने के बाद सुनील जी ने फाइनली कुछ बताया है। सुनील जी, एक और क्वेरी थी इससे जुड़ी हुई, आपने जो सिस्टम बताया, क्या उसमें काम करते हुए हम इस बात का ध्यान भी रखना है कि अगर मार्केट की जो ब्रॉडर चाल किसी ऊपर की या नीचे की है, तो हम जो स्टॉक लें वो भी उसी डायरेक्शन में उसको कोरिलेट करके चलें, या कुछ बाय कुछ सेल करके चलें, इस तरह का कुछ प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। देखिए, एक बात का नियम हमेशा बना के रखिए अपने लिए कि मार्केट के ट्रेंड के साथ में जब भी आप होते हैं, आपको प्रॉफिट होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। ये बात तो आप अपनी गांठ मान लीजिए कि जब भी आप बड़े वाले ट्रेंड के साथ होते हैं तो प्रॉफिट का चांस बहुत ज्यादा होता है। मार्केट अभी नीचे आ रही है लेकिन आप एक ऐसा स्टॉक उठाना चाहते हैं जो बाय करना चाहते हैं, ये तो हो सकता है कि वो स्टॉक जो है मार्केट के साथ ज्यादा नीचे ना आए, लेकिन ये क्या गारंटी कि वो ऊपर जाएगा? हो सकता है मार्केट के प्रेशर में वो ऊपर भी ना जाए। तो आपको फायदा उस चीज में ज्यादा है कि मार्केट का ट्रेंड अगर नीचे है तो उन स्टॉक्स पे ज्यादा दाव लगाइए जो आपके सेल वाली लिस्ट में है। मार्केट का ट्रेंड अगर उस दिन ऊपर का है तो उन स्टॉक्स पे ज्यादा दाव लगाइए जो ऊपर के ट्रेंड में चल रहे हैं। तो इस चीज को थोड़ा नोट करना जरूरी होता है कि ब्रॉडर मार्केट जो है किस दिशा में चल रही है। हवा के अगेंस्ट जो है शेयर बहुत कम ट्रेड कर पाते हैं या फिर वो खड़े हो जाते हैं। ऐसा है, कोई ऐसा स्टॉक है जो ऊपर जाना चाहता है लेकिन मार्केट में किसी तरह का सेलिंग प्रेशर है तो वो खड़ा हो जाएगा, लेकिन आपको तो कुछ नहीं मिला ना, आपका या तो स्टॉप लॉस काट देगा या खड़ा रहेगा पूरा दिन, आपका पूरा दिन वेस्ट हो गया। वो कोशिश करिए मार्केट की चाल जो है बड़ी चाल, उस चाल के आप साथ में ही हो। स्टॉक सिलेक्शन अपने हिसाब से कीजिए लेकिन मार्केट की चाल के साथ में रहेंगे तो आपकी संभावना ज्यादा है कि आप कुछ कमाएं। जैसा आप हमेशा कहते हैं कि पतंग उड़ाने में उसी दिशा में फायदा है जहां की हवा चल रही है। हवा बहुत जरूरी है, के अगेंस्ट पतंग उड़ाने की कोशिश करेंगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। व्यूअर्स, आशा है आपको ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। इंट्राडे के बारे में बहुत सारी क्वेरीज आती हैं हमारे पास और सुनील जी ने एक बहुत इनिशियल स्टेप दिया हमारे को, वो हथियार दे दिए हैं जिनसे हम इंट्राडे के मैदान में कूद सकते हैं। मैं फिर बाद में यही कहूंगा, बार बार यही कहूंगा, इंट्राडे में पैसे कमाना आसान नहीं है। अपने डिसिप्लिन के साथ काम कीजिए, शुरू में सीखिए, उसके बाद धीरे धीरे उसको बढ़ाइए। थैंक यू व्यूअर्स फॉर बीइंग विद अस। प्लीज कंटिन्यू टू शेयर, लाइक, सब्सक्राइब आवर वीडियोस ऑन फेसबुक, यूट्यूब। कोई आपकी क्वेरीज है कमेंट सेक्शन में डालिए, हम उनको जरूर लेंगे। थैंक यू।